नमस्कार, मैं साजिदा खातून बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास सेकंड की हिंदी सेकंड में चैप्टर टू करेंगे। चैप्टर टू का नाम है वर्णमाला। वर्णमाला का अर्थ होता है वर्णों की माला, यानी वर्णों को व्यवस्थित क्रम में रखकर उसकी माला बनाना या उसका उसका एक समूह वर्णमाला कहलाता है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जो कुछ भी तुम बोलो भाई, उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण सदा कहलाती आई, खंड न इसके होते भाई। भाषा है वर्णों का मेल, समझो नहीं इसे तुम खेल। ये जो छह पंक्तियां ऊपर दी हुई हैं, इसमें ही वर्ण की पूरी परिभाषा लिखी हुई है। अगर आप समझते हैं तो समझे तो मतलब जो भी कुछ हम लोग बोलते हैं, कुछ भी, उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है, जब उस जब शब्दों का हम खंड करते हैं तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण कहलाती है। और जब वर्ण जो होते हैं उनके खंड यानी टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। जो भी हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं, भाषा जो भी यूज करते हैं, वो सब वर्णों के ही मेल से बना हुआ है। तो चलिए अब इसकी नॉर्मल परिभाषा देख लेते हैं। मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, यानी जो भी कुछ हम लोग बोलते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई, जो भी कुछ हम लोग बोलते हैं वो एक ध्वनि है, उस ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। तो जैसा आप लोगों ने अभी देखा, मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ, क, च, ट। यहाँ पर आप ख भी कर सकते हैं, ख के नीचे हलंत, ग भी कर सकते हैं, ग के नीचे हलंत। इन सारे इन सबको आदि, इस तरह की किसी भी वर्ण को के टुकड़े नहीं किए जा सकते और ये वर्ण कहलाते हैं। आइए देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह अर्थात जब भी कोई चीज हम लोग लिखें तो उसका एक सीक्वेंस हो, उसका एक पैटर्न हो कि हम लोग उस तरीके से लिख रहे, जैसे छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई और डैश डैश करके पूरा ज्ञा तक, ये कहलाता है हमारा वर्णमाला। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग छोटी ई को उठा के बड़ी ई की जगह रख दें या बड़ा आ को आगे कर दें या पीछे कर दें, नहीं। इसके जो व्यवस्थित व्यवस्थित रूप को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर, अब स्वर किसे कहते हैं तो आइए देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। जिस वर्ण के बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ए, ओ, औ। तो ये हमारे 11 स्वर होते हैं। आइए एक बार इसके नंबर्स की काउंटिंग फिर से कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11। तो ये हुए हमारे स्वर, जिसको बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि छोटा आ अपने में ही पूर्ण है, बड़ा आ अपने में ही पूर्ण है, तो इसे बोलने के लिए हमें किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये जो अंग और आहा आपको यहां दिख रहे हैं, ये अयोवाह है, या अर्थात इसे स्वर में या व्यंजन में काउंट हम लोग नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं अब हम वर्ण की दूसरी शाखा यानी व्यंजन को। व्यंजन, वर्ण के जिस वर्ण के बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़े
उसे व्यंजन कहते हैं। अर्थात जब भी किसी वर्ण को बोलने के लिए हमें स्वर की, ध्यान दीजिएगा, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे वर्ण कहते, उसे व्यंजन कहते हैं। ये 35 होते हैं। इसका मतलब क से लेकर क, ख, ग, घ, ये सब हमारे व्यंजन हैं। ये सब व्यंजन में आ जाते हैं। तो देखिए व्यंजन जो होते हैं, अगर इनको बोलने के आधार पर इन्हें हम तीन पार्ट में बांटते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिसमें हम लोग अपने जबान को, अपने टंग को टच कराते हुए, अपने तालू से टच कराते हुए बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन जिसको बोलने में अंदर से आवाज आती है, मतलब ऐसा लगता है कि वो अंदर से निकल रहा है। और ऊष्म व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में मुख में गर्माहट सी महसूस होती है। अगर हम लोग इन व्यंजनों को देखें तो ये व्यंजन कैसे व्यंजन है। अगर हम लोग बात करते हैं क की, अगर हम लोग बात करते हैं क की, तो यहां पर कैसे इस स्वर की जरूरत पड़ रही है इस क को बोलने के लिए, क्योंकि ये जो क है ये असल में क प्लस छोटा अ, अब ये मिलकर बनेगा क। अर्थात इस क को बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ रही है, तब ये हमारा पूर्ण क बन रहा है, नहीं तो ये जो है ये सिर्फ क है। और जब हम इसको कंप्लीट करेंगे, बोलेंगे क, तो ये बन जाएगा क प्लस अ। क में जब छोटा अ की मात्रा जुड़ेगी तब वो बनेगा संपूर्ण क, जो कि ये एक व्यंजन है। अर्थात वर्ण को बोलने के लिए, जिस वर्ण को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है वो हमारा व्यंजन कहलाता है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें ख की, तो ख में भी यही सीन है। ख, ख के नीचे हलन प्लस छोटा अ, ये वर्ण है और वर्ण में जुड़ गया है ये स्वर, और इस स्वर को जोड़ने पे, जिस वर्ण में जब स्वर जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है, व्यंजन, और ये हमारा है व्यंजन। आइए देखते हैं व्यंजनों को कौन कौन से वर्ग में रखा गया है। क वर्ग, क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग, छ, च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ड, और ढ, ढ। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन यानी जिसको बोलने के लिए अंदर से ऊर्जा, अंदर से शक्ति लगानी पड़ती है, य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन श, 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 ह। इसको जब आप उच्चारित करेंगे और उस चीज को फील करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन वर्णों को बोलने के लिए हमें अंदर से ऊष्मा, हम जब बोलते हैं तो हमारे मुख में एक ऊष्मा प्रवाहित हो रही है। और ये जो यहां से लेके यहां तक के व्यंजन है, वर्ण है, ये होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। आइए देखते हैं संयुक्त व्यंजन को। तो संयुक्त व्यंजन यानी ज्वाइंट कॉन्सोनेंट्स, दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अर्थात जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, संयुक्त व्यंजन। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि क और श मिलकर हमारा क्षत्रिय वाला छ बना रहे हैं, यानी एक संपूर्ण व्यंजन बना रहे हैं। त्र, त और र मिलकर त्र बनाते हैं, श और र मिलकर श्र बनाते हैं, और ज और अंगा मिलकर ज्ञा बनाते हैं। द्वित व्यंजन,
द्वित व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जब एक व्यंजन ध्वनि में अपने समान व्यंजन ध्वनि से जुड़ती है तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। यानी जब दो समान व्यंजन एक साथ आते हैं तो उन्हें हम द्वित व्यंजन कहते हैं, जैसे कच्चा, खट्टा, बच्चा, बिल्ली आदि। यहीं पे आप देख सकते हैं दिल्ली, पक्का, ये सब आपके द्वित व्यंजन हैं। मिट्टी, आधा ट और पूरा ट। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आधा च पूरा च, आधा ट पूरा ट, आधा च पूरा च, सीधा आधा ल पूरा ल, यहाँ आधा क पूरा क। यानी जब दो समान व्यंजन एक साथ आते हैं तो वहां पर हो जाता है द्वित व्यंजन, यानी दो बार आने वाला व्यंजन उसे कहते हैं द्वित व्यंजन। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर में। अब हमारे पास आता है अनुस्वार। अनुस्वार का अर्थ होता है अंग की बिंदी, अंग की बिंदी। वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु अनुस्वार कहलाता है। वर्ण के ऊपर लगने वाला बिंदु अनुस्वार कहलाता है। जैसे कंघा, क के ऊपर अंग की बिंदी और घ में आ की मात्रा, कंघा। पंजा, गंगा आदि। जैसे और देख लीजिए, रंग, पतंग, है ना, ढंग, ये सब हमारे अनुस्वार हैं। यानी ये जो अंग की बिंदु है ये अनुस्वार होते हैं। अब आते हैं चंद्र बिंदु पर। चंद्र बिंदु वर्ण के ऊपर लगने वाला अनुनासिक चंद्र बिंदु कहलाता है। अनुनासिक का अर्थ होता है चंद के, एक चंद्र के साथ ऊपर अंग की बिंदी। यानी ये अनुनासिक अनुनासिक का सिंबल हो गया। जैसे आंख, चांद, पांच। यानी मुख के साथ साथ नाक से भी जब हमारी आवाज निकलती है, जब ध्वनि निकलती है तो वहां पर अनुनासिक होता है। अनुनासिक अनुनासिक मीन्स नाक से निकलने वाले जो भी ध्वनि निकलते हैं वो अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे आंख, चांद, पांच आदि। और अगर आपको और देखना है तो आंचल, आ चल। यहां पर भी देखिए मुख से और नाक से दोनों से ध्वनि निकल रही है तो ये चंद्र बिंदु कहलाते हैं। विसर्ग वर्ण के बाद आने वाले बिंदु। यानी जब भी किसी वर्ण के बाद ऐसे दो बिंदु आए तो उसे विसर्ग कहते हैं। ऐसे दो बिंदु अंत में, किसी भी वर्ण के बाद अगर ऐसे दो बिंदु आते हैं तो वो क्या कहलाता है, विसर्ग कहलाता है। अर्थात दुख, अतः, प्रातः। दुख, अतः, प्रातः। इसका जो इसकी जो ध्वनि होती है आह की ध्वनि होती है, आह की। दुख, अतः, प्रातः। आगे देखिए मात्राएं। स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। अर्थात स्वर को हम लोग जिस रूप में भी किसी वर्ण के साथ या व्यंजन के साथ जोड़ते हैं वह मात्रा कहलाता है। जैसे इसे कहते हैं बड़े आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा उ की मात्रा, बड़ा उ की मात्रा। ये सब औ की मात्रा और ये ओ की मात्रा,
ये सारी मात्राएं होती हैं, ये सारे स्वर के रूप हैं जो वर्णों के साथ जुड़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसान की, तो क में छोटी ई की मात्रा, स में आ की मात्रा, न यहां पर छोटी ई की मात्रा लगी है, ये उसका सिंबल हो गया। यहां पर बड़ी ई की मात्रा लगी है, ये उसका सिंबल हो गया। जब हम बात करते हैं छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, वो वर्ण को बस पूर्ण करने के लिए होता है। आगे देखते हैं, छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, यह सभी व्यंजनों को सामान्य रूप से छिपा रहता है। जैसे क में अ जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा संपूर्ण क। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि छोटा आ की कोई मात्रा अलग से नहीं होती, वह वर्ण में ही छुप जाती है, वह वर्ण को केवल संपूर्ण करने का कार्य करती है। यहाँ पर देखिए सारी मात्राएं आपको दी हुई हैं। यहाँ पर बड़े आ की मात्रा, छोटे ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ऋ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और ओ की मात्रा। इस तरह से ये चैप्टर जो होता है वो फिनिश होता है। अब इसकी जो भी एक्सरसाइजेस होंगी आपको पीडीएफ के फॉर्म में स्कूल मित्र ऐप पर मिल जाएंगी। धन्यवाद।